हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। मैं अभिषेक कुमार आपको गणित पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम लोग आज एक नए चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। आज का हमारा चैप्टर है गणितीय आगमन का सिद्धांत, चैप्टर नंबर 4 NCERT से। ठीक है, देखिए हम आज गणितीय आगमन के सिद्धांत पढ़ेंगे, जो आपके लिए नया चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम कुछ ऐसी बातें पढ़ेंगे जिसमें हमें यहाँ क्या पढ़ना है, सिद्धांत। ठीक है ना, देखिए ध्यान से। अगर हम लोग इसे अंग्रेजी में इसके नाम की बात करें तो अंग्रेजी में इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत। देखिए हिंदी में तो आपको सिद्धांत दिखने के लिए मिल रहा है, ये गणितीय आगमन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, गणितीय आगमन हम लोग क्या सीखेंगे यहाँ, पहले इंडक्शन समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में वो इंडक्शन का शाब्दिक अर्थ क्या है। हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि इंडक्शन जो किसी से क्या हो जाए, किसी की प्रेरणा से दूसरा कुछ अगर हो जाता है, किसी के प्रभाव में अगर कोई चीज़ हो जाती है तो वो क्या कहलाती है, इंडक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? इंडक्शन। जैसे इंडक्शन के नाम से बहुत सारी चीज़ें आजकल हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग के लिए भी बनाई जा चुकी हैं, तो वो इंडक्शन है। क्या है? इंडक्शन, कि किसी के प्रभाव में कोई नई चीज़ बन जाए। क्या बन जाए? कोई नई चीज़ बन जाए तो वो क्या कहलाती है? इंडक्शन कहलाती है। आप अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आप ज़रूर पढ़ेंगे इंडक्शन क्या होता है, और इंडक्शन पर कार्य करने वाले कुछ यंत्रों के बारे में आप पढ़ेंगे। तो हाँ, इंडक्शन भी हो रहा है कि मतलब क्या हो जाए, कुछ हो जाए। क्या हो जाए? कुछ हो जाए, या किसी के प्रभाव में क्या हो जाए, कुछ नया हो जाए। क्या हो जाए? कुछ नया हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत। देखिए इस गणितीय आगमन के सिद्धांत के हिसाब से हम किसी भी बात के सत्यता की जांच करेंगे, उसके प्रामाणिकता, उसके प्रूफ की जांच नहीं करेंगे, उसके सत्यता की जांच करेंगे कि वो जो बात बोली जा रही है वो ट्रू है कि नहीं है। ठीक है, मतलब हम लोग क्या देखेंगे कि उसके वो ट्रू है, मतलब सत्य है कि क्या है, असत्य है। ठीक है ना, जैसे अब ऐसे में ऐसे बातें करते करते अगर हम आपसे आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या लेते हैं, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, फिर उसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि हम उसमें PMI को कैसे लगाते हैं। मतलब हम आज अब इस पूरे चैप्टर में गणितीय आगमन के सिद्धांत का नाम लिखने के लिए शॉर्ट फॉर्म में हम हमेशा प्रयोग करेंगे PMI। क्या प्रयोग करेंगे? PMI मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमने कोई सूत्र लिख दिया। देखिए ये सूत्र हम लिख रहे हैं 1+2+3+4+ डॉट 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 कहां तक, यन तक, कहां तक, यन तक। हमने 1, 2, 3 मतलब प्राकृतिक संख्याओं के योग को, प्राकृतिक संख्याओं के योग को कहां तक लिख दिया, यन तक लिख दिया। तब इसका योग जो होता है वो होता है n, ब्रैकेट में n+1/2 क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है? 2। ठीक है, अगर हम इधर की बात करें तो यहाँ जो अवयव लिखे हैं वो n तक हैं। कहाँ तक हैं? n तक हैं। मतलब हम लोग इधर की बात करें तो यहाँ n का जो मतलब है वो क्या है, नंबर ऑफ क्या है, अवयवों, n बराबर क्या है, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे कार्य करता है, लेकिन इससे पहले कि अगर हम लोग n बराबर यहाँ क्या करते हैं, n बराबर 1 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? n बराबर 1 रख लेते हैं। तो n बराबर 1 रखने का हमारा क्या मतलब है? हमने यहाँ आपसे कहा है कि जो बायां पक्ष है हमारे पास, उसमें n का मतलब है अवयवों की संख्या। क्या है? अवयवों की संख्या। तो अगर हम n बराबर 1 लेते हैं तो हमारे पास यहां कितना अवयव लिया जाएगा? सिर्फ 1 अवयव लिया जाएगा। मतलब कौन लिया जाएगा? सिर्फ 1। और बराबर क्या हो जाएगा? बराबर यहां n का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, ब्रैकेट में 1+1/2 क्या हो जाएगा, 2। ठीक है ना, ध्यान से देखिए। फिर ये हो जाएगा 1 बराबर 1 और 1 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। मतलब n बराबर 1 के लिए जो दी गई बात है वो क्या है, सत्य है। फिर अगर हम लोग इसे आगे बढ़ाते हैं तो n बराबर किस पे चेक करेंगे, 2 पे चेक करेंगे। n बराबर 2 का मतलब है 2 पद, बाएं पक्ष के लिए कितने पद, 2 पद। तो 2 पद देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1+2 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, हम दूसरे वाले पद में n की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अगर n की जगह 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2+1/2 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, यहाँ देखिए 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। बराबर यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, ये रहा हमारे पास क्या, इधर दोनों तरफ क्या हो गया, 3। मतलब n बराबर 2 के लिए भी बातें क्या हैं, सत्य हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़े हम लोग तो n बराबर किसके लिए चेक कर देते हैं, 3 के लिए, n बराबर 3 के लिए। n बराबर 3 का क्या मतलब है,
यहाँ एन बराबर तीन का मतलब है कि बाएं पक्ष में अवयवों की संख्या, बाएं पक्ष में किसकी, अवयवों की संख्या। तो बाएं पक्ष में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 + 2 + 3, ठीक है। और उधर क्या हो जाएगा, बराबर यहाँ तीन पद हमने ले लिए हैं, अब उधर क्या रखेंगे, एन का मान रखेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 ब्रैकेट में 3 + 1 / 2, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 5 और 1 = 6, बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 4, 3 × 1 = 4/2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 2 से ये 2 क्या होगा, कट जाएगा। अगर ये 2 से 2 हमारा क्या कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ देखिए 6 बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। मतलब अगर हम लोग इस स्टेप से जाते रहे तो हम पता नहीं कितनी प्राकृतिक संख्याओं के लिए ऐसे यन ज्ञात करते रहेंगे और वो आंसर हमेशा सत्य आता रहेगा, लेकिन हम सब बातों के लिए ऐसा कुछ कह नहीं पाएंगे, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा कह दें कि ये बात जो सत्य हो रही है वो क्या हो रही हो, हमेशा फॉर ऑल यन इज एलिमेंट ऑफ, किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए ये बात क्या हो रही हो, सत्य हो रही हो, ऐसी कोई बात हम बोल नहीं पाएंगे। क्योंकि हमने n बराबर 1 पे चेक किया तो देखा मिला, n बराबर 2 पे चेक किया तो देखा मिला, n बराबर 3 पे चेक किया देखा मिला, फिर ऐसे ही हम चेक करेंगे 4 पर 5 पर और 6 पर, समझ रहे हैं। तो ये तो तरीका था, ये तरीका नहीं है किसका, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का, गणितीय आगमन सिद्धांत लगाने का ये तरीका नहीं है। अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाते हैं और प्रयास करते हैं कि सर हम लोग इसे क्या कर दें कि श्रेणी बन रही है, इस श्रेणी के हिसाब से आप ज्ञात करेंगे तो भी बात बन जाएगी सर। तो हम देखें तो ये श्रेणी बन रही है, 1 में 1 जोड़ा गया 2, 2 में 3, 3 में 1 जोड़ा गया 4, तो ये इस प्रकार से ये जो श्रेणी बन रही है वो एक प्रकार की कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। क्या है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में n पदों के योग की बात कर लें, समांतर श्रेणी में n पदों के क्या योग की बात कर लें कि समांतर श्रेणी में n पदों का जो योग होगा वो क्या होगा। तो उसके लिए अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, हम लोग इसे सूत्र में लगाएंगे तो SN बराबर हो जाएगा क्या, SN बराबर n/2 ((2a + n-1)) × d। तो यहाँ हो जाएगा n/2 ((2×1)) का a का मान कितना हो जाएगा, 1। और यहाँ हो जाएगा क्या, n-1 × d का मान कितना 1। तो यहाँ हो जाएगा n/2 ((2+n-1)), तो यहाँ हो जाएगा कितना, n/2 ((n+1)), ठीक है। इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा n(n+1)/2, ठीक है। अब हमने जो किया है इससे समांतर श्रेणी का सूत्र का प्रयोग करके जो हमने किया है, ये कोई सत्यता की जांच नहीं है, ये तो हमारा प्रूफ हो गया, सिद्ध कर रहे हैं हम लोग कि दायां पक्ष बराबर क्या, बायां पक्ष, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ दिखाना क्या है, हमें यहाँ दिखाना है कि ये बात सत्य है, ये बात क्या है, सत्य है। किसके लिए सत्य है, फॉर ऑल एन इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए सत्य है, मतलब सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए ये बात क्या है, सत्य है। तो हम क्या करते हैं, हम इसे गणितीय आगमन सिद्धांत से लगाने के लिए, किससे, गणितीय आगमन सिद्धांत से लगाने के लिए लिखते हैं क्या, PMI से, किससे, गणितीय आगमन सिद्धांत से। ध्यान से देखिए, अब हम गणितीय आगमन का सिद्धांत आपको बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारी सामान्य बीजगणित थी जो क्या कर गई है, फेल हो गई है। ये क्या है, आप सूत्र जानते थे समांतर श्रेणी का, उससे लगाया तो ये जो आया वो प्रूफ आया, लेकिन सत्यता की जांच नहीं हो पाई, किसके, सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग PMI लगाएं, क्या लगाएं, PMI, गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत कहता है कि आप किन्हीं दो कंसेक्यूटिव नंबर, किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं के लिए यह बात सत्यापित कर दो तो तीसरी बात क्या हो जाती है, स्वयं सत्य हो जाती है। जैसे हमने मान लिया क्या, k और 1 क्या मान लिया, k+1, ठीक है। अगर हम लोग क्या k का मान 1 लेंगे तो यही वाली जो बात k बराबर 1 के लिए सत्य होगी, वही बात k = 2 के लिए क्या हो जाएगी, स्वयं सत्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्वयं सत्य हो जाएगी। मतलब k = 1 के लिए अगर सत्य है तो k+1 के लिए भी क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम लोग k = 2 ले लें,
तो अगली बात हो जाएगी 2+1 कितना 3, फिर से वो बात क्या हो जाएगी 2 लेते ही वो बात किसके लिए 3 के लिए फिर से सत्य हो जाएगी। इस प्रकार आप अगर n लेंगे तो n+1 के लिए भी क्या हो जाएगी वो सत्य हो जाएगी, मतलब आप कोई भी नेचुरल नंबर देंगे तो वो अगले नेचुरल नंबर के लिए भी बात क्या रहेगी सत्य रहेगी। यहाँ हम क्या करते हैं जिस नंबर के लिए बोलते हैं बस उसी के लिए सिद्ध कर पाते हैं, लेकिन जब यहाँ हम PMI का प्रयोग करेंगे के और के प्लस वन को तो क्या करेंगे हम एक के लिए सिद्ध करेंगे और दूसरी बात स्वतः क्या हो जाएगी सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसी विधि का प्रयोग करना ही इस सवाल में, इस प्रकार की सवालों में या इस प्रश्नावली में केवल एकमात्र एक ही प्रश्नावली है जिसपे जिसे हम सॉल्व करेंगे किससे PMI से, तो इस प्रश्नावली में के और के प्लस वन विधि पर आधारित सवालों को लगाना ही गणितीय आगमन का सिद्धांत कहलाता है। जिस टेक्निक से, वह टेक्निक ही गणितीय आगमन का सिद्धांत कहलाती है जिस टेक्निक के माध्यम से हम सवालों को फार आल क्या सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या दिखाएंगे सत्य दिखाएंगे। अभी के लिए हम बोर्ड को साफ करते हैं और फिर से आपको PMI का प्रयोग करते हुए ये बात क्या करते हैं इस बात के सत्यता की क्या करते हैं जांच करते हैं। देखिए हमने सवाल को आपके सामने पुनः साफ सुथरी प्रस्तुत की है जिसमें लिखा है 1+2+3+4 n बराबर n ब्रैकेट में n+1/2। ठीक है, इसे क्या करिए इसके सत्यता की जांच कीजिए। किसके सत्यता की जांच कीजिए, ये बात सत्य है फॉर ऑल n इज एलिमेंट ऑफ क्या नेचुरल नंबर के लिए, सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए यह बात क्या है सत्य है। ठीक है, देखिए सबसे पहला स्टेप, ठीक है ध्यान से देखिए कि हम लोग इस प्रकार के सवालों को या गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग कैसे करते हैं। सबसे पहली बात इस स्टेट दिए गए स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं PN के रूप में लिखते हैं, किससे लिखते हैं PN। ठीक है, देखिए ध्यान से कैसे लिखेंगे PMI से। ठीक है, यहां जो लिखा है उसका क्या मतलब है गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत से PN सच दैट 1+2+3+4+... कहाँ तक n तक बराबर n ब्रैकेट में n+1/2। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या PN, ये बात हो गई। अब देखिए ध्यान से, अब हम यहाँ सबसे पहली बात जो सिद्ध करेंगे वो किसके लिए n=1 के लिए, किसके लिए n=1 के लिए। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या n=1 के लिए बात सत्य है। अगर n=1 के लिए बात सत्य है तो हम आगे बढ़ेंगे। देखिए n=1 के लिए तो हमने आपसे कहा था कि बाएं पक्ष में n=1 का मतलब होता है कि वो एक टर्म है, कितनी टर्म एक पद अगर आप लेंगे तो एक पद क्या मिलेगा हमें सिर्फ एक मिलेगा, बराबर क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में 1+1/2 कितना हो जाएगा 2, या हो जाएगा 1 ब्रैकेट गुणे 1 और 1 2/2 कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 ये क्या हो जाएगा कट जाएगा और 1 = 1। यदि ऐसा हुआ तो हम n=1 के लिए बात को क्या लिखेंगे सत्य लिखेंगे, लिखेंगे n=1 के लिए, n=1 के लिए दिया गया कथन क्या है सत्य है, दिया गया कथन क्या है सत्य है। ठीक है, ये n=1 के लिए दिया गया कथन क्या है सत्य है। अब क्या करेंगे, अब इसी बात को के लिए सिद्ध करके दिखाएंगे। अब 2, 3, 4 के लिए नहीं सिद्ध करेंगे, अब हम उन कॉन्सिक्यूटिव नंबर जो हमने आपसे कहा था कौन कौन से के और के प्लस वन के लिए सिद्ध करेंगे। ठीक है, देखिए n=k के लिए अगर हम लोग लिखते हैं n=1 किसके लिए k के लिए, n=k के लिए अगर n=k के लिए लिखते हैं तो n=k के लिए यह क्या हो जाएगा पूरा स्टेटमेंट ही PK हो जाएगा, पूरा स्टेटमेंट ही क्या हो जाएगा PK सच दैट क्या हो जाएगा 1+2+3+ कहाँ तक के तक, यहाँ n जो है वो किस में बदल जाएगा k में बदल जाएगा, बराबर k ब्रैकेट में k+1/2 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, p के सच दैट 1 से लेकर यहाँ k तक बराबर k ब्रैकेट में k+1/2 क्या हो जाएगा 2। अब ध्यान से देखिए ये समीकरण है वही समीकरण तो ये भी है, यहाँ n है और यहाँ क्या है k है, अगर वह n=1 के लिए सत्य है तो k के बराबर कुछ भी आप रखोगे तो वो तो सत्य होगा ही सत्य होगा। ठीक है, तो यहां हम लिख देते हैं n=k के लिए अतः n=k के लिए
दिया गया कथन सत्य है, दिया गया कथन क्या है, सत्य है, ठीक है। अगर इन बराबर के लिए भी कथन सत्य हो गया तो अब तीसरी बात देखिए ध्यान से, ठीक है। इसे हम लोग बनाएंगे क्या, समीकरण नंबर एक। क्या बनाएंगे, समीकरण नंबर एक। देखिए यहां लिखेंगे क्या, अब n बराबर k प्लस वन लेंगे, n बराबर क्या लेंगे, k प्लस वन के लिए, n बराबर k प्लस वन के लिए, n बराबर k प्लस वन की जब बात होगी तो हमारा जो पूरा पद बनेगा वो क्या बनेगा, पी के प्लस वन सच दैट, पी के प्लस वन सच दैट वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस डॉट 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 के प्लस वन, ठीक है। एन की जगह क्या हो जाएगा, के की जगह के प्लस वन हो जाएगा, बराबर इस के की जगह क्या हो जाएगा, के प्लस वन, ब्रैकेट में इस के की जगह क्या हो जाएगा, के प्लस वन, और यहाँ प्लस वन पहले से बचा है, बटा क्या हो जाएगा, टू, ठीक है। देखिए इसे आगे सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस डॉट 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 के प्लस वन बराबर के प्लस वन एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में के प्लस टू बाई क्या, टू, ठीक है। इसे हम लोग बनाएंगे क्या, समीकरण नंबर दो। क्या बनाएंगे, समीकरण नंबर दो। ध्यान देखिए अब पी के प्लस वन वाले कथन में, किसमें, पी के प्लस वन वाले कथन में, पी के प्लस वन वाला स्टेटमेंट ये है, इस स्टेटमेंट में पी के वाली बात को क्या कर देना, ला करके सेटिस्फाई करा देना ही हमारा क्या कहलाता है, गणितीय आगमन का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। तो बात यह हुई कि हम किसी प्रकार से समीकरण नंबर एक का समीकरण दो में क्या करें, प्रयोग करें, और यह प्रयोग करना ही या प्रयोग करने की टेक्निक ही क्या कहलाती है, गणितीय आगमन का सिद्धांत कहलाती है, ठीक है। देखिए अगर हम इस समीकरण को देखें तो इस समीकरण में यहां से यहां तक का जो पद है वो समीकरण नंबर कहां लिखा है, एक में। देखिए वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 कहां तक, के तक। तो यहां जो यहां से लेकर यहां तक लिखा है उसकी, उसके लिए हम लोग समीकरण नंबर एक का यूज करेंगे, और समीकरण एक से इस पद का मान उठा के कहां रखेंगे, दो में रखेंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण एक से मान समीकरण दो में रखने पर। क्या करेंगे हम लोग, समीकरण दो से मान को समीकरण दो में समीकरण एक से क्या करेंगे, मान रखेंगे। ध्यान से देखिए हमारे पास यहाँ क्या है, हमारे पास यहाँ एक से लेकर के प्लस वन पद तक है। अगर हम लोग इसे एक पद पहले लिखें तो ये क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के। ये के प्लस कौन सा पद है, के प्लस वनवा पद है, और ये कौन सा पद है, केवा पद, ठीक है। तो यहां तक का मान हम लोग कहां से रखेंगे, समीकरण एक से। लिखा है ना हमने समीकरण एक से मान समीकरण दो में रखने पर, तो क्या हो जाएगा, के ब्रैकेट में के प्लस वन बाई टू प्लस के प्लस वन, ठीक है। ये देखिए ये पद बच गया था ना, बराबर क्या हो जाएगा हमारे लिए, बराबर हो जाएगा एक ब्रैकेट में के प्लस वन और अगले ब्रैकेट में के प्लस टू बाई क्या हो जाएगा, टू। अब क्या करते हैं, अब हम इसमें से एक पद उठाते हैं और दूसरे के बराबर कर देते हैं। यदि ऐसा हुआ तो दोनों के लिए बात क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। एक किसके लिए, के के लिए, और एक किसके, n बराबर k प्लस वन के लिए। तो हम क्या ले लेते हैं, एल एच यस एल एच एस लेते हैं, तो ये हो जाएगा k ब्रैकेट में k प्लस वन बाई क्या, टू प्लस k प्लस वन, ठीक है। ये हो गया, क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे, बटा एक हो जाएगा k ब्रैकेट में k प्लस वन प्लस टू ब्रैकेट में k प्लस वन अपान क्या हो जाएगा, टू, ठीक है। देखिए इन दोनों में कॉमन कौन है, k प्लस वन, तो बचेगा कौन, k प्लस टू बचेगा, और पूरे का बटा क्या हो जाएगा, दो। देखिए हमने एल एच एस लिया था और क्या ला दिया है, आर एच एस। तो हमने जो टेक्निक लगाई है, हमने क्या लगाई है, यहाँ जो समीकरण दो में समीकरण एक से जो टेक्निक लगाई है वह टेक्निक ही हमारी क्या कहलाती है, गणितीय आगमन का सिद्धांत कहलाती है। सबसे अंतिम में लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः फॉर ऑल n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए, n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए पी एम आई से दिया गया कथन क्या है, सत्यापित होता है या सत्य है, ठीक है। अतः पी एम आई से सिद्ध होता है कि दिया गया कथन क्या है, सत्य है, फॉर ऑल एन इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा।
ठीक है। आपके लिए एक और उदाहरण भी लगाते हैं हम लोग। देखिए देखिए, आपकी किताब का उदाहरण नंबर एक ले लेते हैं। उदाहरण संख्या एक, उदाहरण संख्या एक क्या है? उदाहरण संख्या एक है कि सभी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक के लिए, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक के लिए, n से बड़ा, n एक से बड़ा हो या क्या हो, बराबर हो के लिए सिद्ध कीजिए कि एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर बराबर क्या? उन्होंने लिखा है n ब्रैकेट में n प्लस वन, अगले ब्रैकेट में 2n प्लस वन बाई क्या? 6, बाई 6 के लिए क्या कीजिए? सिद्ध कीजिए, ठीक है। मतलब सभी n इज ग्रेटर देन 1 के लिए, मतलब फॉर ऑल n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए हमें क्या करना है? सिद्ध करना है कि यह बात क्या है? सत्य है। यह बात क्या है? सत्य है, ठीक है। तो स्टेप नंबर एक, स्टेप एक हमारा होता है कि सबसे पहले हम दिए गए कथन को पी एन की फॉर्मेट में लिखें। तो क्या करेंगे स्टेप एक में? क्या लिखेंगे? पी एम आई से पी एन सच दैट एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन का स्क्वायर बराबर एन ब्रैकेट में एन प्लस वन ब्रैकेट में टू एन प्लस वन बाई क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। ये n बराबर किसके लिए अब सिद्ध करेंगे? एक के लिए। ये हमारा स्टेप दो कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टेप दो, ठीक है। देखिए स्टेप दो क्या है? स्टेप दो है हमारा, स्टेप दो है n बराबर किसके लिए सिद्ध करें? एक के लिए। n बराबर एक के लिए, ठीक है। n बराबर एक के लिए हो जाएगा P1 सच दैट क्या हो जाएगा? P1 सच दैट क्या हो जाएगा? P1 तो यहाँ हो जाएगा कितना? एक पद, सिर्फ एक पद लिया जाएगा एक का स्क्वायर, और बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा एक ब्रैकेट में एक प्लस एक ब्रैकेट में टू वन इंटू वन प्लस एक बटा कितना हो जाएगा? 6। हमने आपको बताया था कि जब बाएं पक्ष की बात होती है तो बाएं पक्ष में n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। हमने n बराबर एक लिया तो कितना पद लिया जाएगा? एक ही पद लिया जाएगा, इसलिए हमने कितना लिया? सिर्फ एक। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक का स्क्वायर मतलब एक, यहाँ हो जाएगा एक गुड़े दो गुड़े तीन बराबर बटा क्या? 6। तो तीन दूना 6 से 6 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और एक बराबर क्या हो जाएगा? एक। क्या लिखेंगे हम लोग? लाइन लिखेंगे कि n बराबर एक के लिए, n बराबर एक के लिए दिया गया कथन क्या है? सत्य है। दिया गया कथन क्या है? सत्य है। अब आगे देखिए, अगर n बराबर एक के लिए दिया गया कथन क्या है? सत्य है, तो हम लोग क्या करेंगे? n बराबर k के लिए लिखेंगे। माना n बराबर क्या k। ये हमारा जो स्टेप है वो स्टेप नंबर क्या है? 3। अब n बराबर k लिखेंगे। n बराबर k मतलब पी के सच दैट एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस डॉट 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 के का स्क्वायर बराबर के ब्रैकेट में के प्लस वन अगले ब्रैकेट में टू के प्लस वन बाई 6, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अगर n बराबर के लिए कथन सत्य है, n बराबर अतः क्या लिखेंगे? डायरेक्ट लिखेंगे अतः n बराबर के लिए कथन क्या है? कथन सत्य है। अब अगर n बराबर k के लिए भी सत्य है तो हमारा जो अंतिम स्टेप है और इसे हम लोग जो बनाएंगे समीकरण, वो हमारा समीकरण होगा समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे? हम लोग स्टेप कौन सा लिखेंगे? स्टेप संख्या 4। स्टेप संख्या 4 में हमारे पास क्या है कि स्टेप संख्या जो 4 है उसमें n बराबर हम क्या मानेंगे? k प्लस वन। तो देखिए n बराबर k प्लस वन के लिए, अगर k प्लस वन की बात करें, ठीक है, तो यहां बात करते हैं k प्लस वन की, ठीक है। ये रहा हमारा कौन सा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, n बराबर किसके? k प्लस वन के लिए। तो जो हमारा समीकरण होगा वो हो जाएगा पी के प्लस वन सच दैट एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस कितना? तीन का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k का स्क्वायर प्लस k प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है। देखिए
हम एन की जगह क्या रख रहे हैं, के रख रहे हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, अंतिम पद जो हो जाएगा वो उससे एक ज्यादा के प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर यहां क्या हो जाएगा के प्लस वन, ठीक है, क्या हो जाएगा के प्लस वन, फिर क्या हो जाएगा यहां के प्लस वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा के प्लस टू, यहां रख रहे हैं हम लोग के, तो ये हो जाएगा के प्लस वन, अगला हो जाएगा के प्लस वन प्लस वन, तो के प्लस टू हो जाएगा, यहां हो जाएगा कितना, यहां हो जाएगा टू के प्लस तीन, दो से गुणा भी तो होगा और बटा कितना हो जाएगा छः, ठीक है, ये रहा हमारा कौन सा, ये हमारा है समीकरण नंबर कौन दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, पीएमआई का मतलब है कि हम समीकरण दो में समीकरण एक का प्रयोग करें, तो देखिए ध्यान से, समीकरण दो में समीकरण एक का प्रयोग हम करेंगे और लिख रहे हैं कि समीकरण एक से मान रखने पर कितने का मान रखेंगे, ये देख रहे हैं इतना के स्क्वायर तक का, किसका के स्क्वायर तक का, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा के ब्रैकेट में के प्लस वन, अगला हो जाएगा टू के प्लस वन बाई क्या हो जाएगा सिक्स, प्लस यहां जो बचेगा वो कौन है के प्लस वन का क्या होल स्क्वायर, बराबर के प्लस वन अगले ब्रैकेट में के प्लस टू अगले ब्रैकेट में टू के प्लस तीन बटा कितना हो जाएगा छः, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों का प्रयोग करेंगे, इन दोनों में से कोई एक LHS ले लेते हैं, देखिए ध्यान से क्या ले लेते हैं LHS, LHS ले करके क्या करेंगे, अगर RHS ला देते हैं तो यह बात क्या हो जाएगी सत्य हो जाएगी, देखिए कैसे, यहां हो जाएगा हमारे पास के प्लस वन इस पद में भी है, इसका बटा एक कर लीजिए, के प्लस वन इस पद में भी है और के प्लस वन इस पद में भी है, तो दोनों पद में से के प्लस वन क्या कर लेते हैं उभयनिष्ठ या कॉमन कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा के ब्रैकेट में के प्लस वन और अगले ब्रैकेट में टू के प्लस वन बाई क्या सिक्स प्लस के प्लस वन का क्या होल स्क्वायर बटा एक, के प्लस वन हमारे लिए क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा के ब्रैकेट में टू के प्लस वन बाई क्या सिक्स प्लस यहाँ बचेगा के प्लस वन बाई क्या वन, ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे इसका लेस है लेकर के, तो यहाँ क्या हो जाएगा के प्लस वन ब्रैकेट में टू के स्क्वायर प्लस क्या के टू के स्क्वायर प्लस क्या के प्लस छः के प्लस क्या छः बटा क्या हो जाएगा छः, ठीक है। ध्यान से देखिए अब हमें क्या क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है के प्लस टू एक आ जाए और दूसरा क्या आ जाए टू के प्लस तीन, तो यहाँ हो जाएगा क्या के प्लस वन एक ब्रैकेट में और अगले में क्या हो जाएगा टू के स्क्वायर प्लस सात के छः और एक कितना सात के प्लस कितना छः बटा कितना छः, देखिए ध्यान से गुणनखंड करें छः दूनी बारह, बारह का ऐसा खंड कीजिए कि जोड़ने पर क्या मिले सात मिले, तो हो जाएगा कितना चार तिहाई बारह चार तीन कितना सात, अर्थात जो इसका खंड बनेगा वो हो जाएगा के प्लस वन और क्या बनेगा के प्लस टू और यहाँ हो जाएगा टू के प्लस तीन बटा क्या छः, ये क्या है हमारे लिए LHS, क्या हो गया LHS हो गया। इस प्रकार से हम नीचे सबसे अंत में जब आंसर लिखने लगेंगे तो लिखेंगे क्या, अतः पीएमआई से क्या लिखेंगे, अतः पीएमआई से क्या होता है सिद्ध होता है कि दिया गया कथन क्या n इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक के लिए क्या है सत्य है, क्या है सत्य है। इस प्रकार से हमने आपकी किताब का उदाहरण नंबर एक भी आपके सम्मुख सॉल्व किया है ताकि आपको प्रश्नावली की सवाली लगाने में क्या हो दिक्कतें ना हो। आपको समीकरण एक में कुछ ऐसी टेक्निक लगानी है और समीकरण दो में भी ऐसी टेक्निक का प्रयोग करना है जिससे समीकरण दो में समीकरण एक का मान क्या हो जाए रखा जाए और उस समीकरण दो में एक पद उठा करके दूसरी तरफ पहुंच जाइए, मतलब LHS से RHS या RHS से LHS, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा वो सिद्ध हो जाएगा। अगर बराबर हो जाता है तो हम लास्ट वाली लाइन में लिखेंगे कि PMI से क्या होता है, वो बात क्या होती है सत्य होती है, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि जब आप के लिए सिद्ध करोगे तो वो बात स्वयं के प्लस वन के लिए क्या हो जाएगी सिद्ध हो जाएगी। और इसी चीज को दिखाने के लिए कि के प्लस वन इस वजह से सही है क्योंकि के सही है इसलिए हम लोग के प्लस वन में के का प्रयोग करते हैं। अगर आपके पास कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपके कमेंट को जरूर देखेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।